हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अपना 17th नंबर प्रोजेक्ट करेंगे जो कि है एलईडी डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले बेसिक एनिमेशन। तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी तक जो है हम लोग नॉर्मल 5 mm एलईडी से खेलते हुए आए थे, लेकिन अब जो है थोड़ा एडवांस वर्जन में जाने का ज़रूरत है। तो अब हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है एलईडी डॉट मैट्रिक्स। बेसिकली क्या होता है कि आप ध्यान दे सकते हैं कि ये इसमें डॉट्स बने हुए हैं, ये जो डॉट मैट्रिक्स है इसमें डॉट बने हुए हैं। तो ये जो डॉट्स हैं एक्चुअली ये एक एलईडी है और ये 8x8 का 64 एलईडीज टोटल का एक डॉट मैट्रिक्स है। यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैं इसे जूम करता हूँ। हाँ, तो ये जो डॉट्स हैं, ये रेड डॉट्स जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली एलईडीज हैं जो कि ग्लो होने के बाद कुछ इस तरह की दिखती हैं, रेड 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 रेड। तो ये 8x8 का एक एलईडी डॉट मैट्रिक्स है जो कि ऑपरेट होता है मैक्स 7 to 19 रजिस्टर से। और उसके साथ हमें चाहिए होता है एक 10 kΩ का पोटेंशियोमीटर। ये एक्चुअली प्रोजेक्ट नंबर 17 में हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें आगे के प्रोजेक्ट में आएंगी जिसमें हम एलईडी डॉट मैट्रिक्स के साथ ही काम कर रहे होंगे और उसमें मतलब आगे के प्रोजेक्ट में उसको देखेंगे क्या उसका यूज़ है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन को देख लेते हैं। तो इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है। तो जो आपको डॉट मैट्रिक्स मिला है वो कुछ इस तरह का है, इस तरह का डॉट मैट्रिक्स आपको मिला है। तो इसमें मात्र 5 कनेक्शंस होते हैं। इसमें जो ग्राउंड है, ये आप देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है आपके ट्यूटोरियल में, जो ग्राउंड है वो ग्राउंड को जाता है। जो VCC है इसमें यहाँ पे सारे नोटेशंस दिए हुए हैं। आप ये इसको पढ़ के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल पिन में या फिर एनालॉग पिन में उसको कनेक्ट करिए। तो जो ग्राउंड है वो ग्राउंड में जाता है, जो VCC है वो 5 वोल्ट में जाता है, और ये जो डिन है ये डिजिटल पिन में जाता है, CSP डिजिटल पिन में जाता है, क्लॉक वे डिजिटल पिन में जाता है। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कौन सा लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर रहे हैं हम। हम लोग जो लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करेंगे उसमें मैं पहले से बता देता हूँ कि डीन जो है आपका वो डिजिटल पिन नंबर 12 में जाता है, क्लॉक हमारा डिजिटल पिन नंबर 11 में जाएगा और CS हमारा डिजिटल पिन नंबर 10 में जाएगा। तो यही हमारा बेसिक 5 कनेक्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने करके रखा है पहले से, अभी कर लीजिए। फिर मेन जो पार्ट है इसका कोड वाला पार्ट है, तो उसको पहले सब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक प्रोसीजर दिया हुआ है आपके बुक में। मैंने जानबूझकर बुक को ही बुक का ही स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये वाला पार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक प्रोसीजर है लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करने का। तो लाइब्रेरी फाइल बेसिकली होता क्या है, जैसे ये डॉट मैट्रिक्स है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम 7 to 19 रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके जो कुछ फंक्शंस हैं वो पहले से प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड बोले तो मतलब हर बार जितने बार हम एलईडी डॉट मैट्रिक्स यूज करेंगे उस फंक्शन का हमको यूज करना रहता है। तो अब बार बार फंक्शन लिखने से अच्छा है कि हम उसे एक लाइब्रेरी फाइल उसका एक बना लें, डॉट एच फाइल जिसको कहते हैं, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एच होता है, और उसको एक जगह पे सेव कर दें। तो ये काम हमारे लिए आर्डिनो वालों ने या फिर किसी दूसरों ने दूसरे लोगों ने आसान करके रखा है। वो इसे एक ऐसे वेबसाइट पे अपलोड करके रखते हैं, गिटहब पे अपलोड करके रखते हैं, या फिर arduino.cc के वेबसाइट पे भी आपको ये लाइब्रेरी फाइल मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी इसको डाउनलोड करके बस इंक्लूड करना है और फिर वो आप फंक्शन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको हर बार उसको फंक्शन को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये हमारा एक लाइब्रेरी फाइल होता है कि जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस पहले से होते हैं, हमें बस वो इंक्लूड करना रहता है अपने स्केच में। इंक्लूड करने के बाद वो जो भी फंक्शंस हैं उसमें, उसके अंदर डॉट एच फाइल के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो डिफाइंड है, उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला प्रोसीजर है हमारा वो है डाउनलोड द लेड कंट्रोल फाइल फ्रॉम दिस एक्सटेंशन। ये जो सॉरी डाउनलोड द लेड कंट्रोल लाइब्रेरी फाइल फ्रॉम दिस वेबसाइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वेबसाइट को कॉपी कर लेंगे, और इसको जाके आप किसी भी वेब ब्राउज़र में पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेड कंट्रोल का है, मैक्स आर्डिनो लाइब्रेरी फॉर मैक्स 7 to 19 जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर 7 to 21, दोनों में से कोई भी एक लेड डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्लोन एंड डाउनलोड ऑप्शन में हम डाउनलोड जिप फाइल करेंगे।
आप देख सकते हैं हमारा जिप फाइल डाउनलोड हो गया है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अब क्या करना है कि हमें अनजिप डॉट जिप फोल्डर करना है, डॉट जिप फोल्डर जो हमने डाउनलोड किया है उसको, और टाइमर लाइब्रेरी भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अभी टाइमर लाइब्रेरी का ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप इस पर डायरेक्ट भी क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो एक यूआरएल ही है। तो अब एक्चुअली मुझे क्रोम में ओपन करना रहता है, इसलिए मुझे कॉपी करके वापस से खोलना रहता है। वैसे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलता है। तो ये टाइमर लाइब्रेरी का भी डॉट जी फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ सेव, और ये डाउनलोड हो चुका है। तो हमारा दोनों फाइल डाउनलोड हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि अनजिप द डॉट जी फोल्डर, जो हमारा डॉट जी फोल्डर हमने डाउनलोड किया अभी, दो डॉट जी फोल्डर डाउनलोड किए तो उसको अनजिप कर लेंगे। तो लेट कंट्रोल मास्टर फोल्डर और टाइम मास्टर फोल्डर को अनजिप करके इसको रीनेम करना है। लेट कंट्रोल मास्टर को लेट कंट्रोल कर देना है, और ये टाइम मास्टर को टाइमर में कर देना है। और फिर ये फोर्थ स्टेप है हमारा कि लेट कंट्रोल और टाइमर फोल्डर को आर्डिनो आईडी इंस्टॉलेशन लाइब्रेरीज फोल्डर में जाकर कॉपी करना है और आर्डिनो आईडी रीओपन करना है। तीन स्टेप है, मैं दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देख के आप करिएगा सारे स्टेप। तो सबसे पहले जो जहाँ आपका फाइल डाउनलोड हुआ है, मेरे जितने भी फाइल्स हैं वो डाउनलोड्स में डाउनलोड होते हैं, तो मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ। पहले सबसे पहले डाउनलोड्स में जाके मैं डॉट जी फाइल चेक करता हूँ। तो यहाँ पे, हाँ, तो डाउनलोड्स में आने का आप देख सकते हैं कि ये हमने डाउनलोड किया था अभी, लेट कंट्रोल मास्टर डॉट जी, और ये, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको अनजिप करना है। तो इसको आप, जैसे आप अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसे डायरेक्टली हो जाए, तो स्टेप टॉल करके, या फिर आप ये स्ट्रक्ट फाइल्स या स्ट्रक्ट हियर करके, ये विनरार यूज करके भी स्ट्रक्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको एक्सट्रैक्ट करने तो आता ही होगा फाइल। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट ऑल यूज़ कर रहा हूँ, और ये हमारा स्ट्रक्ट होके एलईडी कंट्रोल मास्टर एक फोल्डर बन चुका है। स्ट्रक्ट ऑल कर लेते हैं इसको। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर मास्टर बन चुका है। तो बेसिकली ये फोल्डर्स, ये रहा टाइमर मास्टर। तो इसको क्या करना है आपको कि ये हमारा टाइमर मास्टर लेट कंट्रोल, तो इसको रीनेम करके हमारा फोर्थ स्टेप था टाइमर कर देंगे हम। और इसको रीनेम करके हम लेट कंट्रोल कर देंगे, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। अब क्या करना है कि इन दोनों को कॉपी करके हमें पेस्ट करना है आर्डिनो इंस्टॉलेशन लाइब्रेरी में। तो वो आर्डिनो इंस्टॉलेशन लाइब्रेरी हमें कैसे मिलेगा, तो आप आर्डिनो के ये जो शॉर्टकट बना होता है डेस्कटॉप पे, उस पर जाकर राइट क्लिक करें और ओपन फाइल लोकेशन करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक लाइब्रेरीज नाम के फोल्डर आपको मिलेगा, ये आर्डिनो फोल्डर खुला है। इसमें आपको लाइब्रेरीज नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें जाएं और ये दोनों पेस्ट कर दें। यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए, और ये हमने पेस्ट कर दिया है। ये पेस्ट करने के बाद आप ये जितने भी आर्डिनोज आपके बने, पहले से आईडी खुले हुए थे, वो आप बंद कर दीजिए और फिर से उसको ओपन करिए। तो ये था हमारा लाइब्रेरी इंक्लूड करने का प्रोसीजर। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है कि हम इस डॉट मैट्रिक्स को समझेंगे। तो बेसिकली डॉट मैट्रिक्स को क्या होता है कि हम ऐसे रो में, कॉलम में डिवाइड करते हैं। तो ये जो एक है, ये एक रो हो जाता है इसका, रो जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है इसका नंबर। तो ये रो हो जाता है, ये जो जितने भी हॉरिजॉन्टल हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल हैं वो रो हो जाते हैं। ये एक रो हो गया, ये भी एक रो हो गया, ये सारे रोज हैं। और ऊपर से देखें तो ये कॉलम हो जाता है, ये भी कॉलम हो गया, 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 ये सारे कॉलम्स हो गए। तो कॉलम, ये सारे जो नंबर्स हैं वो रो जीरो, रो वन, रो टू, रो थ्री, ऐसे करके वो डिनोट होते हैं। ये कॉलम जीरो, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम सेवन करके डिनोट होते हैं। तो जो हमारा लाइब्रेरी है, उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो ये सेट एलईडी एक फंक्शन होता है, सेट एलईडी फंक्शन होता है ये एक, इसको आप देख सकते हैं अपने ट्यूटोरियल में। फिर जिसमें, इसमें इसके चार पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है एड्रेस, एड्रेस जो होता है वो मैट्रिक्स को एड्रेस करता है।
अगर आप एक ही मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो वो उसका एड्रेस जीरो होता है, फिर रो होता है, कॉलम होता है, फिर स्टेट होता है। तो ये इसमें रो का वैल्यू कि किस रो में लोकेटेड है, जैसे मान लीजिए हमको ये इस एलईडी को बर्न करना है, सॉरी मतलब टर्न ऑन करना है, तो इस एलईडी को मान लीजिए हमें टर्न ऑन करना है, तो ये जीरोथ रो में सेकंड कॉलम में है, तो इसका रो नंबर जीरो हो जाएगा, कॉलम नंबर टू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेट एलईडी एस है वहाँ पे ये जो रो का वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, कॉलम का वैल्यू वो टू हो जाएगा और स्टेट को हाई कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो अपना ये है एलईडी है ये टर्न ऑन हो जाएगा, मीन्स लिट हो जाएगा। एक और फंक्शन होता है सेट रो, सेट रो फंक्शन होता है। सेट रो फंक्शन में तीन पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला कि एड्रेस, एड्रेस मीन्स कौन सा एलईडी मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं। रो, कौन सा रो यूज कर रहे हैं, मीन्स ये डायरेक्टली एक पूरे रो को लिट करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें ये हम वैल्यू देंगे तो इसमें हमें हर एक कॉलम का वैल्यू देना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें ये चार बीच के चार जो है, मैं पॉइंट आउट करता हूँ कौन से चार, तो ये जो बीच के चार हैं ये एलईडी हमें जलाने हैं, बाकी दो ऑफ करने हैं। तो इसको हम जीरो को जीरो 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 वन 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 जीरो जीरो ये दो वैल्यू, ये वैल्यू देंगे तो जीरोथ रो का ये चार जो हमारा एलईडीज है वो टर्न ऑन हो जाएगा। सिमिलरली सेट कॉलम होता है, उसका भी फंक्शन सेम होता है कि कौन सा हमको एलईडी जलाना है उसका नंबर देना है। तो ये जो मेनली है बाइनरी डिजिट होता है, इसके लिए बाइनरी फाइल सॉरी एक बाइनरी डॉट एच लाइब्रेरी यूज़ करना रहता है जो कि इनबिल्ट होता है उसमें आर्डिनो, वो आपको इंक्लूड नहीं करना होगा, कहीं से डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो आपको ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आप देख सकते हैं, अभी हमने बताया था कि ये बीच के चार चाहिए तो जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो, और ये सेकेंड रो में हमको ये दोनों चाहिए तो इसका हो जाएगा जीरो वन, जो भी कॉलम नंबर है ये वन और ये सिक्स नंबर पे वन, तो ये सिक्स नंबर पे, ये बेसिकली एक बाइनरी नंबर आप कह सकते हैं। तो ये जीरो वन जीरो 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 बीच के चार टर्न ऑफ रहेंगे, फिर ये वन ऑन रहेगा तो ये वन जीरो। सिमिलरली सारे ऐसे होते हैं। तो जो एनिमेशन हम लोग इस प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं उसमें होता क्या है कि हम एक तीन तरह का फेस क्रिएट करेंगे, उससे डॉट से हैप्पी सैड और न्यूट्रल फेस। तो सबसे पहले तो आप कोड को टाइप कर लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए जो आपका मन करे, कॉपी करके इसको रन करते हैं, फिर कोड को समझेंगे, ये सही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोड को कॉपी कर लिया है, या आपने टाइप कर लिया होगा तो टाइप कर लिया या फिर कॉपी कर लीजिए, और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कोड है ये बिल्कुल वही जो बुक में कोड मैंने यूज़ किया था। हाँ, ये बाइनरी डॉट एच जो मैंने फाइल बताया था, अब मैं बताता हूँ कि ये जो दो ये कॉमास इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए गए हैं, इसका यूज़ करने का मकसद क्या है। इससे क्या है कि दो तरीके से हम लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो ये एक एरो से होता है, ये लेसर लेसर देन एंड ग्रेटर देन साइन से होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा डायरेक्टरी है सिर्फ उस डायरेक्टरी में हम सर्च करते हैं उस डॉट एच फाइल को, लेकिन जब हम इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं तब तो हम पूरे सारे डायरेक्टरीज में इस लेट कंट्रोल डॉट एच फाइल या बाइनरी डॉट एच फाइल को सर्च करेंगे। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, अगर आपको ये सी आपने पढ़ा होगा तो आपको ये आता ही होगा। तो चलिए सबसे पहले कोड को वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कोड को वेरीफाई कर लिया, किसी तरह का इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको कनेक्ट कर देंगे USB को, पिछले 16 प्रोजेक्ट से मैं हर बार बताते आ रहा हूँ कि टूल्स में जाके बोर्ड और पोर्ट को सिलेक्ट करना मत ही भूलें। तो आई होप आपको इस पर तो याद होगा ही होगा। और अब इस कोड को अपलोड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले ये पूरा एकदम सारे LEDs ऑन है, और आप देखिए आप यहाँ पे ये जो हमारा फेस है ये सैड फेस, ये हैप्पी फेस, और ये हमारा सैड फेस, ये न्यूट्रल फेस, ये और ये हैप्पी फेस, ये सैड न्यूट्रल हैप्पी, सैड न्यूट्रल हैप्पी,
सैड न्यूट्रल हैप्पी। तो ये हमारा फेसेस बनते आ रहे हैं। कोड को समझने के लिए सबसे पहले तो ये डिले टाइम को जो हमने 1 सेकंड रखा, इसको आप इंक्रीज कर दीजिए 10 सेकंड के लिए, मतलब 10,000 कर दीजिए उसको। उससे क्या होगा, जब तक मैं कोड को समझा रहा हूँ तब तक वो एक फेस पे ही टिका रहेगा, तो समझने में कोड को आसानी होगी। तो आप अपलोड कर देते हैं नए कोड को। तो ये सेड सैड पे है, उसके बाद हैप्पी होगा। अभी 10 सेकंड ये सैड रहेगा। तो चलिए सबसे पहले चलिए आप कोड को समझ लेते हैं। ये न्यूट्रल आ गया, तो आप न्यूट्रल वाले पास सबसे पहले क्या होता है, अभी उसको सैड न्यूट्रल होने देते हैं। कि ये तो मैंने फाइल लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया, ये यहाँ पे आपको बताया गया लाइब्रेरी के साथ ये दिया जाता है। ये लाइब्रेरीज में पहले से इनबिल्ट होता है कि आपको डीन को 12 में ही कन्वर्ट करना है, क्लॉक को 11 से ही कनेक्ट करना है, और सीएस को पिन नंबर 10 से ही कनेक्ट करना है। ये डिजिटल पिन्स हैं, ये मतलब एक तरह से कहिए कि पहले से फिक्स्ड है, तो आपको करना ही करना है। उसके बाद हम एक लेड कंट्रोल, ये क्लास का एक्चुअली एक क्लास डिक्लेयर किया गया है, उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मीन्स उसके नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं LC। और आई होप अगर आपने C++ का क्लास किया होगा तो C++ अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक क्लास डिक्लेयर होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप C++ के क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो बेसिकली है क्या कि ये लेड कंट्रोल एक क्लास है जिसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम LC, और उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम 12, 11, 10 बेसिकली ये डीन क्लॉक और सीएस का वैल्यू हम दे रहे हैं, और 1 ये बेसिक वैल्यू दे रहे हैं। तो 1 ये मतलब फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब हर बार आपको देना ही रहता है उसको। फिर अनसाइंड लॉन्ग डिले टाइम जो अभी हमने चेंज किया, डिले बिटवीन फेसेस हो जाएगा। ये 1000 पहले हमने रखा था, अब ये हम 10 सेकंड कर दिए हैं। उसके बाद हम 3 एरे क्रिएट करते हैं। HF क्या है, हैप्पी फेस, और इसमें 8 एलिमेंट का एक वो बनाया हमने एरे, जिसमें ये बाइट डेटा टाइप का है। हर एलिमेंट जो है वो हमारा एक बाइनरी नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये B से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बाइनरी डॉट एच यूज करने का हमें एडवांटेज मिलता है कि हम बाइनरी नंबर उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे ये बी से स्टार्ट करेंगे तो वो कंपाइलर को पता चल जाता है कि इसके आगे, बी के आगे जो है वो बाइनरी नंबर है। नहीं तो अगर आप बाइनरी नंबर नहीं यूज करते हैं, आप बोलेंगे नहीं मैं बाइनरी नंबर नहीं यूज करूँगा, मैं नॉर्मल नंबर डालूँ, तो ये 00 जो है इसको कंपाइलर नलीफाई कर देगा, वो सिर्फ 11110 रीड करेगा। ये जो स्टार्टिंग का 0 है वो नलीफाई कर देगा, तो आपका जो मेन जो एम है वो अचीव नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बाइनरी नंबर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हैप्पी फेस में हम जो अपना फेस है वो कर देते हैं, उसका जो वैल्यूज़ है डिफरेंट रोज का वो डाल रहे हैं, और न्यूट्रल फेस में भी और सैड फेस में भी। उसके बाद हम सेटअप फंक्शन में आते हैं। तो LC.shutdown ये एक क्लास का फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, जो कि हम कॉल करते हैं। 0.false, 0 क्या है, ये मतलब आपका जो जैसे एक ही डॉट मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं, तो एक ही डॉट मैट्रिक्स यूज करने के कारण ये हमारा जो है 0th वो है डॉट मैट्रिक्स है, तो नंबर मतलब एड्रेस देना है डॉट मैट्रिक्स, और फॉल्स कर देना है। फॉल्स का मतलब ये हुआ कि उसको शट डाउन कर देना है, मतलब हम सारे ब्राइटनेस को ख़त्म कर देना है। फिर LC.setIntensity ये भी एक मेंबर फंक्शन है क्लास का, ये लेड कंट्रोल क्लास का, जिसमें हम एड्रेस दे रहे हैं और ये 8 दे रहे हैं। 8 क्या है, ये एक वैल्यू है, मीन्स ब्राइटनेस वैल्यू है, जो कि मीडियम पे रखने के लिए हम 8 वैल्यू यूज़ करते हैं। फिर क्लियर डिस्प्ले, जिसमें हम ये एक ही पैरामीटर लेता है जो कि एड्रेस ऑफ डॉट मैट्रिक्स होता है। तो LC.clearDisplay 0 एड्रेस ऑफ ये मतलब 0 हम दे दिए डॉट मैट्रिक्स, तो इसको सारे को क्लियर कर देगा, डिस्प्ले को क्लियर करके जो हमने स्टार्टिंग में देखा था सारे वो हो रहा था, सारे बल्ब्स जल रहे थे, तो वो क्लियर हो गया था डिस्प्ले। अब हम एक फंक्शन कॉल करते हैं ड्रॉ फेसेस। तो सबसे पहले हम आके लूप फंक्शन चेक कर लेते हैं, फिर हम ड्रॉ फेसेस देखेंगे। तो लूप फंक्शन में बेसिकली हम कर कुछ नहीं रहे हैं, ये ड्रॉ फेसेस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए अब देखते हैं हम ड्रॉ फेसेस। तो ड्रॉ फेसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम सैड फेस डिस्प्ले कर रहे हैं। तो उसमें हर रो के लिए देख सकते हैं आप, 0, 1, 2, 3 जो पहला सेट रो का पहला आर्गुमेंट होता है वो होता है एड्रेस ऑफ द डॉट मैट्रिक्स, जो कि 0 हो गया।
फिर होता है रो नंबर, रो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7, हर रो के लिए हमने कुछ जो जो एलईडी हमें लिट करनी है उसको 1 रखा है, जो एलईडी हमें ऑफ रखना है उसे हमने 0 रखा है। तो वो एक एरे बना के रखा है पहले से, तो वो SF0, 0th रो के लिए मेरा पहले से एरे बन एलिमेंट सेट है, SF0 पे है वो, तो वो SF0 0 1 2 3। तो इसीलिए हमने पहले से ही ये सैड फेस का वो कर लिया था, आप देख सकते हैं सैड फेस यहाँ पे, देखिए सैड फेस है। तो पहले में 0 0 1 1 1 0 0, ये आप देख सकते हैं ये है, फिर ये दो सिर्फ टर्न ऑन हो रहा है, तो 0 1 0 0 0 0 1 0, ऐसे करके हर में जो जो ये ऑन रहेगा, मतलब जो एलईडी ऑन रहेगा उसके लिए ऑन करना है, उस नंबर के लिए, उस पर्टिकुलर कॉलम नंबर के लिए ऑन रखना है, 1 रखना है, बाकी सब के लिए 0 रखना है। ये जैसे सेट फेस है तो यहाँ पे 1 आप देख सकते हैं, फिर ये है यहाँ पे सिर्फ साइड के हैं तो ये 1 0 0 0 1 होगा, फिर ये 1 0 0, अब फिर ये न्यूट्रल फेस आ गया तो 1 1 1 1 1 0 1, ऐसे करके आप देखेंगे तो ये इस तरह से काम करता है। तो पहले से वो हमने पहले से सेव करके रख लिया 3 एरे में, HF हैप्पी फेस, NF न्यूट्रल फेस, SF सैड फेस। तो ये हमारा सैड फेस का था। फिर सिमिलरली हम डिले टाइम दे दिए यहाँ पे, डिले दे दिए उस डिले टाइम पे, जो कि हमने 10 सेकेंड कर दिया अभी चेंज करके। सिमिलरली अब डिस्प्ले करेंगे हम, ये सेट रो करेंगे न्यूट्रल फेस के लिए, जब हमें न्यूट्रल फेस डिस्प्ले करना है तो वही एड्रेस ऑफ दी एरे 0 रहेगा, हर रो के लिए मेरा उस जो न्यूट्रल फेस का हम एरे बना के रखे हैं उस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे 0th रो के लिए 0th एलिमेंट ऑफ द न्यूट्रल फेस एलिमेंट वो हमारा उसमें सेट होगा। तो ऐसे ही न्यूट्रल फेस और हैप्पी फेस के लिए हम सेट करते हैं और ये डिले टाइम सेट करते हैं। तो ये था हमारा 17th नंबर प्रोजेक्ट, बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है। अब आई होप आपको मज़ा भी आया होगा ये करने में, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, सिर्फ हैप्पी फेस नहीं बनाना है। अगर आपको अपने नाम का स्टार्टिंग लेटर लिखना है या फिर नाम के सारे लेटर्स लिखना है, आप उसका एक एरे बना लीजिए बाइनरी के नंबर, वो सिर्फ आपको बाइनरी नंबर्स चेंज करने हैं। जैसे आपको SR लिखना है तो S के लिए आप ये पहला रो ये करेंगे, सारा लाइट करेंगे, फिर बीच के दो कॉलम्स लाइट करेंगे, ऐसे करके जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, जो भी आपको लेटर्स लिखना है या फिर कुछ भी करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्रोजेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ अभी और आगे आते रहेंगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू।